सो गाइस हम लोग अभी रुक चुके हैं। सो गाइस अपन पहुंच चुके हैं कहां पे? हेलो एवरीवन, दिस इज निश्चित मुलमी एंड दिस इज एलायस। सो वी वेलकम यू टू व्लॉग्स बाय निश्चित यूट्यूब चैनल। गाइस, सो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत मजेदार वाला, क्योंकि आज हमारा इतने साल से हम प्लान आउट कर रहे हैं एक मिनी रोड ट्रिप टुवर्ड्स दी, कहाँ पे भाई बताए? लोनावला जा रहे हो? लोनावला, जहाँ पे मुंबई का हर मानसून में जाते ही जाते हैं। सो हम कितने साल से प्लान कर रहे थे, छोटे मोटे प्लान हो रहे थे, बट फाइनली आज कैसा कैसा साइट कैसा कैसा बन गया और हम निकल गए अपने ट्रिप के लिए। सो फाइनली अभी कुछ ही देर में निकलेंगे, क्योंकि सचिन भाई भी आने वाला और एक और हमारा कॉलेज का ही दोस्त आने वाला है, हम लोग को उसको ऑन द वे पिकअप करना है, पवई से पिकअप करना है। और मौसम तो आज लग रहा है कि बारिश तो गिरने वाली होना चाहिए। अपने उधर ही है बटरिन एजाविडो, जो कैमरा के शाही है गाइस। Hey guys, so निकल चुके हैं अभी हम लोग। हाँ, okay. So, अपन पवई पहुंच गए। So, अपने साथ आ गए सचिन भाई। अभी एक और बंदे आने वाला है, हरीश भाई करके। हरीश भाई को पिकअप करेंगे, फिर एंजॉय करते आगे। So guys, अपन अभी पहुंच गए ऑलमोस्ट पहुंचने वाले टुवर्ड्स द एक्सप्रेस हाईवे। सो उस सामने वाले पहाड़ों में हम लोग चढ़ने वाले अभी कुछ ही टाइम में। एक अलग ही एक्साइटमेंट भरी वाली जर्नी हो रही है गाइस, एक फन। और कैसा है गाइस, लोग कैसा लग रहा है भाई लोग? Yeah! ये अपना ऑडियंस का रिएक्शन गाइस। सो अपने साथ कैमरा मैन एलायस के साथ हम मिलते हैं आपको कुछ ही देर में गाइस। एक्साइटमेंट भरा वाला जर्नी हो रहा है गाइस, क्योंकि इस टाइम रियली रियली अमेजिंग फीलिंग ड्राइविंग इनटू एन एक्सप्रेस वे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। और यहाँ पे हमेशा एक चीज याद रखना गाइस कि अपना स्पीड हमेशा लिमिट पे चलाइए, ओवर स्पीडिंग मत कीजिए। और किधर भी अगर हो सके तो किधर भी साइड में गाड़ियाँ मत रुकाइए, क्योंकि ये ओवर स्पीडिंग की वजह से क्या होता है कि गाड़ियाँ स्पीड तो जाती है लेकिन कभी कभी क्या गाड़ियाँ कंट्रोल में नहीं रहती, तो इसीलिए गाड़ी साइड पे कभी मत रुकाइए। फूड मॉल वगैरह है इधर, और फूड मॉल वगैरह में या डीजल वगैरह कुछ भरना है आपको तो आप भर सकते हो, बट किधर भी साइड में ऐसा मत रुकाइए, क्योंकि एक्सप्रेस वे कभी कभी इतना स्पीड जाती है गाड़ियाँ की, कभी कभी कड़ी होती है तो वो एक इशू हो जाती है। सो गाइस हम लोग अभी रुक चुके इन फूड कोर्ट और हरीश भाई आ चुके अपने ब्लॉग में। हाय, कैसा था एक्सपीरियंस हरीश भाई? अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग वेदर। हरीश भाई वापस अपने ब्लॉग में आ गए, अच्छा लग रहा है आज। मस्त क्लाइमेट भी था, अच्छे भाई भी है, बारिश भी गिरे और ट्रैफिक और क्राउड बहुत ज्यादा है। क्राउड जैसे कि देख रहे गाइस, बहुत सारे पब्लिक बहुत सारे आ गई है अभी इधर, तो समझ ही सकते हो कि अभी लोनावाला में कितना भीड़ होने वाला है अपने को। तो अभी हम लोग वही डिसाइड करेंगे क्या खाने का है, क्या खाने का गाइस बताओ, डिसाइड हुआ कि नहीं? ऑप्शन बहुत ज्यादा है, जहाँ पे ऑप्शन ज्यादा है उधर कंफ्यूजन ज्यादा होती है, तो हम चूज करते हैं क्या खाएंगे गाइस। तो हम लोग ने अभी डिसाइड किया कि छोले भटूरे डिसाइड किया खाने के लिए, और बारिश भी अभी थोड़ी देर पहले चालू हो गई, वापस चालू हो गई है गाइस। सो अभी खाने के बाद हम लोग निकलेंगे एक लवली वाला हिल स्टेशन, दैट इज लोनावला गाइस।
सो गाइस हम लोग का छोले भटूरे का ब्रेकफास्ट अच्छा था, कैसा था हरीश भाई? अच्छा था, 250 वर्थ था, थोड़ा दिल्ली वाला टेस्ट था, मजा आ गया। और एलाइस भाई बता रहे सही था, अच्छा था छोले भटूरे। हाँ, और ये वाला फूड कोर्ट पे हम लोग आए जहाँ पे लोग हमेशा आते हैं, और अभी हमें लकी लाइन लगी है, जैसे कि देख रहे हो गाइस जैसे कि देख रहे हो गाइस इतना पार्किंग है, हम लोग वी वेर लकी इनफ टू गेट अ पार्किंग जस्ट एग्जैक्टली इन द पार्किंग। सो अभी जो भी सीन होगा अभी अपन आपको रोड का सीन दिखाएंगे गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस फ्रॉम हियर खंडाला घाट स्टार्ट। गाइस अपन अभी पहुंच गए किधर? कॉल खंडाला प्लेस। खंडाला वी आर रीच टू खंडाला ओनली 10 मिनट्स अवे फ्रॉम लोनावला का साइटिंग पॉइंट। और उसमें थोड़ा बहुत आपको साइटिंग पॉइंट वगैरह सब देखने मिलेगा गाइस, सो स्टे ट्यून गाइस, स्टे कनेक्टेड और स्टे सब्सक्राइब। तो गाइस अपन अभी आ चुके हैं लोनावाला का लेक, तो इधर पीछे आपको लोनावाला का लेक दिखा जाएगा, और आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ लोनावाला का लेक। और बारिश भी थोड़ी अच्छी खासी फॉर्म में चालू हो चुकी है, इसलिए अपन अभी दिखाएंगे आपको लोनावाला लेक गाइस। So guys, from here our hilly drive starts. So guys, we are going towards the Lion Point, and this way also goes to Tiger Point too. So Lion Point and Tiger Point's ways are the same. So if you wish to go to Tiger and Lion Point, this is the way guys, as we are taking right now guys. So guys, we are almost at the top. So guys, as you can see, we are getting so much of fog. So as you can see here, we got extremely foggy road. So nothing is visible guys, not even roads also not. So guys, अपन पहुंच चुके हैं कहां पे? लायन पॉइंट में। और जैसे कि देख रहे हो आप, इतना कोहरा हो चुका है और यहां तक ड्राइव करने में पूरा फॉग है। ड्राइव करने में एक अलग ही फन है, लेकिन सेफ्टी भी बहुत जरूरी है ड्राइविंग। देख देख के हम कोहरा ही कोहरा है, हम कोहरों के बीच पे अपना ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए मजा करते हुए। ध्यान में रखो, कभी भी आओगे ड्राइव सेफली, थोड़ा ध्यान रख के चलाइए, बड़ा स्लो स्पीड में लेकिन आराम से कर देना गाइस। और सचिन भाई भी भाई, और ये जो मस्त सब जगह धुआं धुआं छाया है, फॉग जैसा, और मजा ले रहे हैं, ठंडा क्लाइमेट है मस्त। आपको पता है इतना हवा आ रही है ना गाइस, के पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस। तो गाइस अपन अभी इधर मैगी खाने आ गए हैं इधर, जैसे कि देख रहे हो हरीश भाई भी पूरा एंजॉय करके मैगी, अपना बटर एंड आजा वीडियो आजा खा रहे मैगी, जो चीज मैगी जो एकदम 100 रुपीज का खा रहा है भाई, मस्त वाला मैगी। अलाश भाई एंजॉय कर रहे हैं अपना मोबाइल में, और अपना सचिन भाई मस्त में अपनी बातें इंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सचिन अपने साथ बैठे बैठे ग्रुप के साथ? जो गाइडेंस दे रहे हैं हमको, सही है भाई, जो उनको एकदम लोनावाला मतलब लोनावाला का है गाइड है भाई अपने सचिन भाई, जो लोकल से भी ज्यादा ही नॉलेज वाले है भाई अपने सचिन पंडित भाई।
सो गाइस अपन आ चुके हैं इन बुशी डैम, जैसे कि देख रहे हो आप, दिस इज द बुशी डैम आउट हियर मेरे पीछे। और अपने बंदे लोग गए अभी नहाने, मतलब कि इंजॉय करने, और बुशी डैम एलायस एंड हरीश जा चुका है अभी बुशी डैम के अंदर। ये बंदा उधर जाता ही है पानी में, तो इंजॉयमेंट तो बहुत है गाइस। और मौसम भी आता अपने साथ में, इट्स रियली रियली एंड अमेजिंग। सचिन कैसा लग रहा है भाई? बुशी डैम हमें मस्त लग रहा है, एक नंबर, मज़ा आ गया भाई गाइस इधर आते हुए बुशी डैम को एक्सप्लोर करते हुए। So guys, you might be wondering where we are going right now. So guys, this is the entrance gate of Bushi Dam, from where you will see the lovely Bushi Dam after these shots guys. गाइस, लोनावला में एक चीज और फेमस है, दैट इज चिक्की। सो जब भी आप प्लान कर रहे हो लोनावला में आने के लिए, सो जरूर अपने लिए चिक्की परचेस कर लीजिए गाइस। आपको वैरायटीज ऑफ चिक्कियां मिलेगी इधर, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ चिक्कियां मिलेगी, जैसे कि चॉकलेट चिक्कियां, मैंगो चिक्कियां एंड सो ऑन गाइस। सो जब भी प्लान कर रहे हो जरूर परचेस कर लीजिए चिक्कियां गाइस। सो गाइस अपन अभी आ चुके इन खंडाला लेक। सो हम लोग को ये अपना प्लान और आइटनरी में बिल्कुल भी नहीं था कि हम लोग ये वाला स्पॉट भी हम एक्सप्लोर करेंगे, बट ऐसा होता है ना गाइस, जब हम रोड ट्रिप करते हैं तो कभी कुछ चीज़ अचानक आपके लिए एक सस्पेंस बन के आती है, वो उनमें से ये चीज़ ये है। सो ये वाला हम लोग अभी अच्छा खासा हम लोग ऑन द वे मुंबई जा रहे थे, तो ये वाला चीज़ हमको दिखी, तो इसीलिए आपको देखा कि सोचा कि अब क्यों ना आपको ये चीज़ें दिखाया जाए। तो एलायस भाई कैसा लगा तुमको ये वाला सीक्रेट वाला लेक देख के? अच्छा लग रहा है, जाने के टाइम पे अचानक से ध्यान गया तो उन्होंने रुक जाते हैं। हाँ, और रोड थोड़ा खाली है तो मजा भी आ रहा है ड्राइव में। और सचिन भाई बताओ? मस्त, अच्छा लग रहा है एक नंबर। हमारा जो जर्नी होगा टुवर्ड्स मुंबई गाइस। जब भी आप प्लान आउट कर रहे हो इस वाले प्लेस में आने का, लोनावाला वगैरह प्लेस में, तो ये वाला खंडाला लेक में ज़रूर विजिट कीजिए। ये वाला लेक जहाँ पे आता है, जब भी आप फ्रॉम लोनावाला टू वॉच द एक्सप्रेसवे, जो नया वाला एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे वाला एक्सप्रेसवे, उस तरफ जाओगे तब जाके इतना वंडरफुल वाला लेक दिखेगा आपको। और उसमें अभी सोने में सुहागा भी हो गया गाइस, जैसे कि आपने शॉर्ट्स में देखा होगा कि वी गॉट एन फाउंटेन आउट हियर, जैसे कि आपको कैमरा में समझ रहा है कि नहीं। सो अपने को अभी हम लोग ने एक शॉट निकाला, फिर वापस अपने वी वे लकी इनफ टू गेट एन फाउंटेन आउट हियर गाइस। सो आई थिंक सो इसमें भी कुछ लाइटिंग्स वाइटिंग्स रख देते तो शायद से इट वुड बी अ नाइस बट इधर का लाइटिंग वाइटिंग आई थिंक सो रखा रहेगा, बट देर वायरिंग एंड ऑल थोड़ा सा लूज हो गया बारिश की वजह से, आई थिंक सो मानसून की वजह से, तो इसके लिए उन्होंने ये वाला इसमें लाइटिंग्स नहीं डाला। और शायद से पहला ऐसा रेड कलर्स में भी होता होगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसका कलर थोड़ा सा उड़ा हुआ है, बिकॉज जैसे कि आपने कई जगह में देखा होगा आई लव मिरिक, आई लव लोनावाला, ये सब जगह पे आपको रेड कलर्स के आइडल्स में रखते हैं। तो गाइस हम चले अभी मुंबई की तरफ खंडाला लेक देख के, हम लोग ने इसलिए गाड़ी साइड पे रुका है, तो इसलिए आपने देखा होगा गाइस शॉट्स, आई होप सो आपको देख के अच्छा लगा रहेगा शॉट्स गाइस। सो गाइस जैसे कि आप ये वाला व्यू देख रहे हो, हम लोग अब एक व्यू पॉइंट के इधर आए, तो दैट इज द व्यू ऑफ आवर न्यू मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। जैसे कि देख रहे हो हम लोग सुबह उस वाले रूट से है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। सो अभी भी हम लोग मुंबई जाने के लिए अपन इधर से जाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा ओल्ड रोड से आए, तो इसलिए हम लोग को ये वाला व्यू हम लोग को मिला फ्रॉम टॉप। दिस इज द न्यू मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जैसे कि देख रहे हो गाइस। आई नो मैं आपको मैक्सिमम जूम इन करके दिखा रहा हूँ, सो जैसे कि देख रहे हो एक अलग ही फन वाला सीन आ रहा है गाइस, और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे गाइस।
सो गाइस पहुंच चुके अपने सोसाइटी में आफ्टर 13 आवर्स का ड्राइव. सो इट वाज अ रियली रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन मुंबई पुणे एक्सप्रेस एंड इन लोनावाला सराउंडिंग्स. सो जैसे कि अपने शॉर्ट्स में देखा होगा गाइस. सो आई होप सबको मेरा लोनावाला व्लॉग देख के अच्छा लगा रहेगा गाइस. सो चलिए गाइस इस व्लॉग को अब एंड करते गाइस. सो दैट्स इट विद टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन. अगर पसंद नहीं आता तो हिट द डिसलाइक बटन टू. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर. और अगर मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया देन डू फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल. दिस इज माई डियर गाइस. थैंक यू. हाँ पचास हजार.